3 अगस्त को राखी का त्योहार है। वहीं अभी से ही बाजार रंग बिरंगी राखियों से सजकर तैयार हैं। भाई बहन के लिए इस पर विशेष तरह की राखियां बाजार में उपलब्ध हैं, जो कि बहनों को ज्यादा आकर्षित कर रही हैं। राखी का त्योहार हर भाई बहन के लिए खास होता है। इस त्योहार पर हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए उसकी कलाई पर राखी बांधती है। बहनों द्वारा भाई की कलाई पर राखी बांधने की प्रथा काफी पुरानी है। बहनों के द्वारा भाई की कलाई पर राखी बांधने की प्रथा काफी पुरानी है। पहले राखी के रूप में रेशमी धागे का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज के समय पर रेशमी धागे की जगह फैशनेबल राखियों ने ले ली है। आज के दौर में बहनें राखी के त्योहार को खास बनाने के लिए फैशनेबल राखी का प्रयोग करती है, जिसके चलते रक्षाबंधन के समय बाजार अनेक तरीके की राखियों से सज जाता है। इस साल बाजार में फैंसी राखियों ने अपना दबदबा बना रखा है। मंडी के बाजारों की बात करें तो यहां के बाजारों में मोतियों से जड़ी रेशमी धागे, चमकते सितारे जैसी तमाम राखियां मिल जाएंगी। 10 रुपए से लेकर 200 रुपए तक महंगी से महंगी राखी उपलब्ध है, जिनकी महिलाएं और लड़कियां जमकर खरीदारी कर रही हैं। और जैसे कि आपको पता है कि रक्षाबंधन आया हुआ है, हम लोग सारे एक्साइटेड हैं राखी को लेके, और हम यहाँ शॉप पे आए हैं राखी लेने के लिए। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी राखियाँ हैं। वहीं कोरोना काल में मंडी शहर के बाजारों में दुकानदार कोरोना के तहत बनाए गए दिशा निर्देशों को पालन करते हुए राखियां बेच रहे हैं। वहीं इस बार बाजारों में स्वदेशी राखियां ही उपलब्ध हैं, जिनकी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं श्रृंगार ज्वेलर्स विक्रांत। हमारे यहाँ पे इंडियन राखी उपलब्ध है, तो कृपा करके आए और राखियां लें। बहुत ही उचित दाम से हमने उचित दाम लगाए हुए हैं राखियों के, बाजार से मतलब काफ़ी अच्छे रेट हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे पास इंडियन राखी है, चाइनीज़ राखी का भी शिकार किया है हमने इस बार, तो कृपया करके हमारी दुकान पर ज़रूर विजिट करें, श्रृंगार ज्वेलर मंडी। आपके पास कितने से स्टार्ट हो जाती है राखी, मतलब कितने अमाउंट से? 10 रुपीज से स्टार्ट है और 100 पीस तक राखी है मेरे पास। कोरोना को, जैसे कि कोरोना चला हुआ है, तो आपको क्या लगता है, आ रहे हैं कस्टमर? अभी कस्टमर आ रहे हैं, बट हमने अपनी एहतियात वर्त के मतलब सैनिटाइज वगैरह कर रहे हैं, थोड़ा दूरी अभी कर रहे हैं, जैसे ताकि दूर दूरी रहे, लोग ज्यादा क्राउड ना हो। ठीक है।